नमस्ते फ्रेंड्स, मैं पुष्पेंद्र गुर्जर डिस्कवरी क्लासेज जयपुर यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम अध्ययन करेंगे जो हमारा टॉपिक चल रहा था, जिसके अंतर्गत पहले एक क्लास हो चुकी है, वन्य जीव संसाधन एवं संरक्षण। तो आप हेडिंग लिखो, भारत में वन्य जीव संसाधन एवं संरक्षण। भारत में वन्य जीव संसाधन एवं संरक्षण। मित्रों, इसके अंतर्गत एक क्लास पहले हो चुकी है, आज दूसरी क्लास है। तो इसके अंतर्गत मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वन्य जीव संरक्षण और संसाधन, मैंने पहले भी पिछली क्लास में बता चुका हूं कि वन्य जीव प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए 9 सितंबर 1972 ईस्वी को एक अधिनियम लाया गया वन्य जीवों के संरक्षण के लिए। कालांतर में उसमें संशोधन किया गया 17 जनवरी 2003 को। तो ये मैं पिछली क्लास में आपको बता चुका हूं। अब उसके नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो देखिए मित्रों, यहां पे आपको याद रखना है, भारत में सर्वाधिक वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर, बताओ, वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है, किस राज्य में है? तो भारत में सबसे अधिक वन्य जीव अभ्यारण किस राज्य में है? तो भारत में सबसे ज्यादा जो वन्य जीव अभ्यारण अगर है मित्रों, तो वे हैं महाराष्ट्र राज्य में। कहां पर है? महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में कुल 48 वन्य जीव अभ्यारण है। अगर पूछा जाए कि भारत में सर्वाधिक वन्य जीव अभ्यारण किस यूनियन टेरिटरी में, केंद्र शासित प्रदेश में, अगर पूछा जाए तो आपको याद रखना है मित्रों, अंडमान एंड निकोबार में कितने हैं? टोटल 96 वन्य जीव अभ्यारण है, याद रह जाएगा। अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए तो आपको याद रखना है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कितने हैं? 96। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक किस राज्य में स्थित है, तो आपको याद रखना है किसमें? महाराष्ट्र राज्य में 48 वन्य जीव अभ्यारण्य। इसके अलावा अगर पूछ लिया जाए मित्रों कि भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, नेक्स्ट पॉइंट से, भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो बताइए किस राज्य में? तो मित्रों, भारत में सर्वाधिक अगर राष्ट्रीय उद्यान कहीं पे हैं, तो वह है मध्य प्रदेश राज्य में। कहां पर है? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में टोटल कितने हैं? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 10 राष्ट्रीय उद्यान है। कितने? 10 राष्ट्रीय उद्यान है। इसी प्रकार से अगर पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान किस यूनियन टेरिटरी, या मैं लिख देता हूं केंद्र शासित प्रदेश में है, तो बताइए किस केंद्र शासित प्रदेश में? मित्रों, यही अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। किस में? अंडमान एंड निकोबार। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कितने हैं? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मित्रों 9 राष्ट्रीय उद्यान है, याद रह जाएगा। देखो, मैंने 4 पॉइंट लिख चुका हूं अब तक।
भारत में सर्वाधिक वन्य जीव अभ्यारण, तो महाराष्ट्र में 48। भारत में सर्वाधिक वन्य जीव अभ्यारण वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने, 96। भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान, तो सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, तो सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान में तो मध्य प्रदेश में 10। और सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यानों वाला केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी, तो कौन सा हो जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने, 9 केंद्र शासित प्रदेश है। अच्छा, वह कौन सा है जिसमें एक भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, तो भारत में कौन सा है, पंजाब राज्य। पंजाब राज्य में एक भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, यानी नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, याद रह जाएगा, पंजाब राज्य में एक भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, तो यह आपको याद रखना है। इसके अलावा मित्रों आपको याद रखना है कि एक पक्षी विज्ञानी है डॉक्टर सलीम अली। तो पक्षी विज्ञानी डॉक्टर सलीम अली के लिए समर्पित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको याद रखना है कि पक्षी विज्ञानी डॉक्टर सलीम अली के लिए समर्पित राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी विज्ञानी डॉक्टर सलीम अली के लिए समर्पित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वो है सुल्तानपुर लेक वर्ल्ड सेंचुरी। क्या नाम है, सुल्तानपुर लेक वर्ल्ड सेंचुरी। ये सुल्तानपुर वर्ल्ड लेक सेंचुरी ये मित्रों हरियाणा राज्य में स्थित है, तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो पक्षी विज्ञानी डॉक्टर सलीम अली के लिए समर्पित अगर राष्ट्रीय उद्यान है तो वह है सुल्तानपुर लेक वर्ल्ड सेंचुरी। इसके अलावा मैं आपको बता चुका हूं कि जो गिर अभ्यारण गुजरात का है वो किसके लिए जाना जाता है, एशियाई शेरों के लिए जाना जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट आपको याद रखना है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो मित्रों अगले पॉइंट में लिखूंगा मैं, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, बताइए, तो राष्ट्रीय उद्यान, तो भारत का जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वो जम्मू कश्मीर राज्य में, या मैं कहूं लेह में, जो लेह केंद्र शासित प्रदेश है वहां पर है लेह में, तो उसको कौन सा याद हो जाएगा, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, तो इसका नाम है मित्रों हेमिस नेशनल पार्क। कौन सा हो जाएगा, हेमिस नेशनल पार्क, नेशनल पार्क, और ये हेमिस नेशनल पार्क है मित्रों ये कहां पर है, तो ये लद्दाख में है, लद्दाख, तो हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में, तो ये सबसे बड़ा भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है, तो वो है राष्ट्रीय उद्यान। इसके अलावा आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे बड़ा अभ्यारण कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो मैं आपको बता चुका हूं सबसे बड़ा जो अभ्यारण है वो है भारत का सबसे बड़ा, ये तो राष्ट्रीय उद्यान था और मैं बात कर रहा हूं अभ्यारण की, अभ्यारण्य कौन सा है, तो ये है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, और ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है कहां पर है मित्रों, तो महाराष्ट्र में, ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आपको याद रखना है कहां पर है, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इसके अलावा आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का या भारत में सर्वाधिक बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो आपको याद रखना है नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व, याद रह जाएगा, तो भारत का सबसे बड़ा। अगला पॉइंट है भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व, तो भारत का सबसे बड़ा अगर टाइगर रिजर्व है
तो वो कौन सा है? नागार्जुन सागर, श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। तो भारत का सबसे बड़ा अगर कोई टाइगर रिजर्व है तो कौन सा हो जाएगा? नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। अगर पूछ लिया जाए भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो बोर टाइगर रिजर्व है, वो महाराष्ट्र में है। ये जो नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व है मित्रों, ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों राज्यों में है। कौन कौन से राज्यों में? तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों राज्यों में स्थित है। तो सबसे छोटा अगर पूछ लिया जाए, यहां मैं लिख देता हूं कि भारत का सबसे छोटा वो टाइगर रिजर्व, ठीक है? तो सबसे छोटा टाइगर रिजर्व हो जाएगा बोर टाइगर रिजर्व। और ये बोर टाइगर रिजर्व है मित्रों महाराष्ट्र में। तो मैं समझता हूं ये आपकी समझ में आ गए होंगे। एक बार मैं पुनः रिवीजन करवा देता हूं। देखिए शुरू से हमारा टॉपिक चल रहा है भारत के में वन्य जीव संसाधन एंड संरक्षण। इसके अंतर्गत मैं काफी कुछ बता चुका हूं। नेक्स्ट हमको देखना है मित्रों, भारत में सर्वाधिक वन्य जीव अभ्यारण किस राज्य में? तो सबसे ज्यादा अभ्यारण किस राज्य में? महाराष्ट्र में 48 अभ्यारण है। और सर्वाधिक वन्य अभ्यारण किस केंद्र शासित प्रदेश में, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में कितने हैं? 96 वन्य जीव अभ्यारण है। इसके अलावा हम बात करते हैं मित्रों कि भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? तो टोटल है 10 राष्ट्रीय उद्यान है। और अगर पूछ ले जाए भारत में सर्वाधिक किस केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान है, तो सबसे ज्यादा भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 9 राष्ट्रीय उद्यान है। और पंजाब राज्य ऐसा है जहां पर एक भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। यह हो जाएगा पंजाब राज्य में एक भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। इसके अलावा पक्षी विज्ञानी डॉक्टर सलीम अली को समर्पित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वो है मित्रों सुल्तानपुर लेक वर्ल्ड सेंचुरी। और सुल्तानपुर लेक वर्ल्ड सेंचुरी है हरियाणा राज्य में, ये डॉक्टर सलीम अली के लिए समर्पित है, ठीक है? इसके बाद देखिए भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान अगर पूछ लिया जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो वो कौन सा हो जाएगा? हेमिस नेशनल पार्क। भारत का सबसे बड़ा अभ्यारण अगर पूछ लिया जाए तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अभ्यारण आपको याद रखना है, 8496.44 वर्ग किलोमीटर है। लिख देता हूं मैं 8496.44 वर्ग किलोमीटर आपको ये याद रखना है। इसके अलावा अगर पूछ लिया जाए मित्रों कि भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा हो जाएगा? नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। ये नागार्जुन सागर जो श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है, ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों राज्यों में विस्तृत है। इसके अलावा नेक्स्ट याद रखना है कि भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व, तो सबसे छोटा टाइगर रिजर्व हो जाएगा बोर टाइगर रिजर्व, और बोर टाइगर रिजर्व है महाराष्ट्र राज्य में। तो मैं समझता हूं ये आपकी समझ में आ चुका होगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं नेक्स्ट पॉइंट आगे आपको बता देता हूं। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब एक बार पुनः, भारत में सर्वाधिक वन्य जीव अभ्यारण महाराष्ट्र में 48, केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप में 96, सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान तो वो मध्य प्रदेश में, और केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए तो अंडमान निकोबार में 9 राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है ना भाइयों? इसके अलावा भारत में पंजाब राज्य में एक भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। और पक्षी विज्ञानी डॉक्टर सलीम अली को अगर समर्पित कोई पूछ लिया जाए तो सुल्तानपुर लेक वर्ल्ड सेंचुरी आपको बताना है, जो कहां पर है? हरियाणा राज्य में स्थित है। कौन से राज्य में स्थित है? हरियाणा राज्य में स्थित है। इसके अलावा भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो हेमिस नेशनल पार्क लेह लद्दाख में है। इसके अलावा भारत का सबसे बड़ा अभ्यारण अगर पूछ लिया जाए तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड महाराष्ट्र में 8496.44 वर्ग किलोमीटर है। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, और कौन कौन से राज्यों में विस्तृत है? तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। और भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व अगर पूछ लिया जाए तो ये कौन सा हो जाएगा मित्रों? भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व बोर टाइगर रिजर्व। और बोर टाइगर रिजर्व कहां पर स्थित है?
तो बोर टाइगर रिजर्व है महाराष्ट्र राज्य में, ठीक है। तो मैं समझता हूं यहां तक आपकी समझ में आ चुका होगा। अब देखते हैं हम आगे, तो देखिए मित्रों आगे पहले मैंने बता चुका हूं कि एक सिंह वाले गैंडा के लिए किस नेशनल पार्क को जाना जाता है, तो काजीरंगा नेशनल पार्क असम। एक बार पुणे में पॉइंटों में लिख देता हूं तो आप याद रख लीजिए, इधर पार्क का नाम लिख देता हूं, काजीरंगा नेशनल पार्क, नेशनल पार्क। और मित्रों ये जो काजीरंगा नेशनल पार्क है किसके लिए जाना जाता है, तो ये एक सिंह वाले गैंडा के लिए जाना जाता है। चलो इसमें वो भी लिख देता हूं है कहां पर, तो काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पर है मित्रों, असम में। और ये किसके लिए जाना जाता है, तो मैं यहां लिख देता हूं एक सिंह वाले गैंडा के लिए लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। एक सिंह वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा दूसरा काजीरंगा हो गया, मानस नेशनल पार्क बताइए किसके लिए प्रसिद्ध है ये, तो मानस नेशनल पार्क ये भी कहां पर है मित्रों, ये भी असम में। और ये किसके लिए फेमस है, तो ये रॉयल बंगाल टाइगर के लिए जाना जाता है, ये रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट सुंदरबन, सुंदरबन नेशनल पार्क, तो मित्रों ये सुंदरबन जो नेशनल पार्क है ये कहां पर है, ये पश्चिम बंगाल में। और ये किसके लिए जाना जाता है, तो मित्रों यह भी सुंदरबन नेशनल पार्क भी रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। तो आप यहां भी लिख सकते हैं क्या, रॉयल बंगाल टाइगर, ठीक है, रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा नेक्स्ट है बांदीपुर नेशनल पार्क, मित्रों बांदीपुर जो नेशनल पार्क है ये कहां पर है, तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। ये बांदीपुर कहां पर है, तो बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक राज्य में है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो चीतल के लिए प्रसिद्ध है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है, चीतल के लिए क्या है, प्रसिद्ध है, जाना जाता है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट याद रखना है आपको कि डाचीग्राम, और डाचीग्राम नेशनल पार्क ये कहां पर बताओ, नेशनल पार्क, तो डाचीग्राम नेशनल पार्क मित्रों जम्मू कश्मीर में, कहां पर है, जम्मू कश्मीर में। डाचीग्राम जो नेशनल पार्क है ये किसके लिए, तो हिमालयन काले भालू के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, तो हिमालयन, हिमालयन काले भालू के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा, डाचीग्राम नेशनल पार्क। और डाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, जम्मू कश्मीर में, या मैं कहूं श्रीनगर में। और किसके लिए, काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा नेक्स्ट आपको याद रखना है दूधवा खारा नेशनल पार्क, तो बताइए ये कहां पर है मित्रों, तो दूधवा खारा नेशनल पार्क जो है, ये दूधवा खारा कहां पर है, ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश का एकमात्र अगर राष्ट्रीय उद्यान पूछ लिया जाए तो कौन सा है, दूधवा खारा नेशनल पार्क, ठीक है। तो ये क्या है, मैं यहां लिख देता हूं बस इसकी विशेषता, उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क, नेशनल पार्क, उत्तर प्रदेश का एकमात्र अगर नेशनल पार्क पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है दूधवा खारा नेशनल पार्क, याद रह जाएगा दूधवा खारा नेशनल पार्क, तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क है।
इसके अलावा और आप याद रख सकते हो, अपने राजस्थान का मैं लिख देता हूं, केवला देव नेशनल पार्क। और मित्रों ये जो केवला देव नेशनल पार्क है ये कहां पर है, तो राजस्थान में। और केवला देव किसके लिए जाना जाता है, तो पक्षियों का स्वर्ग। तो पक्षियों के स्वर्ग के नाम से अगर कोई नेशनल पार्क प्रसिद्ध है तो वो कौन सा हो जाएगा, केवला देव नेशनल पार्क पक्षियों के स्वर्ग के लिए जाना जाता है, ठीक है। इसके अलावा और आप याद रख सकते हो, दूसरा रणथंभौर नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क। और मित्रों रणथंभौर नेशनल पार्क भी कहां पर है, तो ये भी राजस्थान में स्थित है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यह है बाघों के लिए, या मैं कह सकता हूं बाघों के प्रजनन स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। तो रणथंभौर नेशनल पार्क, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क थे जो आपको याद रखने हैं। मैं समझता हूं ये भी आपको याद हो गए होंगे, एक बार मैं पुनः रिवीजन करवा देता हूं। देखो काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पर है, असम में, किसके लिए जाना जाता है, तो एक सिंह वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा था मानस नेशनल पार्क, ये भी असम में, ये रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा सुंदरवन नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में, ये भी रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा बांदीपुर नेशनल पार्क, ये कर्नाटक में, ये चीतल के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा मित्रों डाचीग्राम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर, ये हिमालयन काले भालू के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है दूधवा खारा, ये उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। केवला देव नेशनल पार्क पक्षियों के स्वर्ग के रूप में, और रणथंभौर नेशनल पार्क राजस्थान, ये बाघों के प्रजनन स्थल के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट आप याद रख सकते हो पेरियार नेशनल पार्क। ये पेरियार नेशनल पार्क मित्रों ये कहां पर है, तो ये केरल राज्य में। और ये जो पेरियार नेशनल पार्क है ये हाथी के लिए, जंगली हाथी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, तो मित्रों ये जंगली हाथी के लिए प्रसिद्ध है, ये जंगली हाथी के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा नेक्स्ट एक और याद रख सकते हो कान्हा नेशनल पार्क, कौन सा, कान्हा नेशनल पार्क, चलो ये भी बता देता हूं। तो मित्रों ये जो कान्हा नेशनल पार्क है ये कहां पर है, तो ये मध्य प्रदेश में है। यह है भौंकने वाले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। कैसे हिरण है, तो भौंकने वाले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। तो यहां कैसे हिरण पाए जाते हैं, भौंकने वाले हिरण पाए जाते हैं। तो मैं समझता हूं ये आपकी समझ में आ चुका होगा, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं नेक्स्ट आपको दूसरा बता देता हूं, ठीक है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, अब देखिए आगे, मैं समझता हूं ये आपने समझ लिया होगा, स्क्रीनशॉट भी आपने ले लिया, एक बार पुनः मेरे साथ साथ रिवीजन कर लीजिए। काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पर है, तो मित्रों काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है, और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, एक सिंह वाले गैंडा के लिए। मानस नेशनल पार्क कहां पर है, तो मानस नेशनल पार्क असम में, ये भी रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा सुंदरवन नेशनल पार्क कहां पर है, तो ये सुंदरवन पश्चिम बंगाल में, ये भी रॉयल बंगाल टाइगर के लिए। चीतल नेशनल पार्क, चीतल किसके लिए जाना जाता है, तो ये बांदीपुर कर्नाटक वाला है, ये चीतल के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट आपको याद रखना है कि डाचीग्राम नेशनल पार्क कहां पर है, तो मित्रों डाचीग्राम जम्मू कश्मीर में, और हिमालयन काले भालू के लिए प्रसिद्ध है। कैसा भालू, हिमालयन काले भालू के लिए प्रसिद्ध है। मैं समझता हूं ये आपकी समझ में आ चुका होगा। इसके अलावा दूधवा खाना, तो दूधवा खाना तो एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है कहां का, उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, और उसका नाम क्या है,
दूधवा खारा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, समझ में आ रहा होगा। इसके अलावा केवला देव नेशनल पार्क, ये राजस्थान में, और ये पक्षियों के स्वर्ग के रूप में जाना जाता है। रणथंभौर नेशनल पार्क राजस्थान, ये बाघों के प्रजनन स्थल के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा नेक्स्ट आपको याद रखना है दो, ये पेरियार नेशनल पार्क, पेरियार केरल में, ये जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। और लास्ट में कान्हा नेशनल पार्क, ये मध्य प्रदेश राज्य में, ये भौंकने वाले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। अब देखिए मित्रों, भारत की प्रमुख विश्व विरासत स्थल, तो भारत में अब तक टोटल 38 विश्व विरासत स्थलों में सूची में शामिल किया जा चुका है। कितने को? 38 को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है, जिसमें से 27, मैं कहूं 30 तो कैसे है, तो वो तो है सांस्कृतिक धरोहर 30, 7 है प्राकृतिक धरोहर और एक मिश्रित धरोहर की सूची में शामिल है। तो आपको याद रह जाएगा, मैं पॉइंट टाइप में लिख देता हूं कि भारत में वर्तमान समय में 38 विश्व विरासत स्थल हैं। कितने हैं टोटल? तो टोटल 38 है, टोटल 38 विश्व विरासत स्थल हैं, जिनमें से मित्रों 30 तो कैसे हैं, ये तो हैं 30 तो सांस्कृतिक विश्व विरासत स्थल कितने हैं? 30। इसके अलावा आपको याद रखना है 7 कैसे हैं, तो ये प्राकृतिक विश्व विरासत स्थल है। और मित्रों 1 कैसा है, तो ये 1 है मिश्रित धरोहर है, याद रह जाएगा। क्योंकि टोटल कितने हैं? 38 विश्व विरासत सूची में शामिल हैं, जिनमें से 30 सांस्कृतिक विश्व विरासत सूची में, 7 प्राकृतिक विश्व विरासत सूची में, और इसके अलावा 1 मिश्रित विश्व विरासत सूची में शामिल है। देखो किस प्रकार से, मैं आपको बता देता हूं कि प्राकृतिक विश्व विरासत सूची में कौन कौन से हैं और किस प्रकार हैं। तो देखिए, पहला जो प्राकृतिक विश्व विरासत सूची में कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले मित्रों किस किस को किया गया, तो एक तो देखो काजीरंगा कौन सा है पहला, काजीरंगा, ये काजीरंगा जो नेशनल पार्क है, अभी मैंने लिखा था नेशनल पार्क, तो काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पर था, तो असम में, और इसे कब शामिल किया गया, 1985 ईस्वी में शामिल किया गया मित्रों। ठीक है, दूसरे नंबर पर किसे शामिल किया गया है, तो वो मानस नेशनल पार्क हो, नेशनल पार्क, तो ये मानस नेशनल पार्क ये भी कहां पर है, तो ये भी असम राज्य में स्थित है, और इसे भी मित्रों कब शामिल किया गया, 1985 ईस्वी में शामिल किया गया, ईस्वी में इसे शामिल किया गया। इसके अलावा नेक्स्ट है केवला देव। अब केवला देव को कब शामिल किया गया, तो केवला देव नेशनल पार्क ये भी प्राकृतिक विश्व विरासत सूची में, और केवला देव तो राजस्थान में भरतपुर जिले में, तो मैं यहां लिख देता हूं भरतपुर राजस्थान। मित्रों इसको भी 1985 ईस्वी में शामिल किया गया, मतलब तीन को, कौन कौन सा, काजीरंगा, मानस और केवला देव, इन तीन को कब शामिल किया गया, 1985 में, याद हो गया 1985 में, कौन कौन से थे, काजीरंगा, मानस और केवला देव। इसके अलावा मित्रों फोर्थ नंबर पर सुंदरवन नेशनल पार्क। मित्रों इस सुंदरवन नेशनल पार्क है कहां पर, तो पश्चिम बंगाल में, और इस सुंदरवन नेशनल पार्क को कब शामिल किया गया, तो इससे 2 साल बाद 1987 ईस्वी में, 1987 ईस्वी में किसे शामिल किया गया, प्राकृतिक विश्व, मैं प्राकृतिक बता रहा हूं,
तो प्राकृतिक विश्व विरासत सूची में सुंदरवन नेशनल पार्क हो, यहाँ पर सुंदरी वृक्ष की अधिकता पाई जाती है, पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है और सुंदरी वृक्ष की अधिकता होने के कारण इसको सुंदरवन बोलते हैं। ये गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में स्थित है मित्रों। तो ये 1987 में इसे घोषित किया गया। इसके बाद में नेक्स्ट जो घोषित किया गया 1988 में वो था पांच नंबर पे नंदा देवी नेशनल पार्क। मित्रों जो नंदा देवी जो नेशनल पार्क है ये कहां पर है? ये उत्तराखंड राज्य में, नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तराखंड, और इसे शामिल किया गया एक वर्ष बाद 1988 ईस्वी में शामिल किया गया था। अभी वर्तमान में 2005 में, कितनी में? वर्तमान में 2005 में इसका विस्तार कर दिया मित्रों, यहीं लिख देता हूं 2005 में इसका विस्तार किया गया है। और इसमें जोड़ा क्या है? तो इसमें फूलों की घाटी को और जोड़ दिया, फूलों की घाटी। अब फूलों की घाटी को अलग से नहीं बनाया, फूलों की घाटी को इसी में जोड़ दिया है। फूलों की घाटी को जोड़ा गया है। तो आपको याद रह जाएगा वर्तमान में किसे जोड़ा गया है? तो फूलों की घाटी नेशनल पार्क, या किस में जोड़ा गया? नंदा देवी में। और कब जोड़ा गया? 2005 में। पहले नंदा देवी नेशनल पार्क को कब शामिल किया गया? तो 1988 में। और अभी इसका विस्तार कर दिया इसके क्षेत्र का 2005 में, और इसको फूलों की घाटी को भी जोड़ दिया। ये है कहां पर मित्रों? तो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसके अलावा नेक्स्ट आपको याद रखना है, ये हो गया पांचवा। इसके अलावा छठवें नंबर पर आपको याद रखना है पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट वही नेशनल पार्क। और पश्चिमी घाट को जोड़ा गया है, पश्चिमी घाट में कई है जैसे महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, केरल है, तो पश्चिमी घाट को जोड़ा गया। और इसे जोड़ा गया मित्रों 2012 में, 2012 में इसे जोड़ा गया है। इसके अलावा नेक्स्ट जोड़ा गया है सातवें नंबर पे ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। और ग्रेट हिमालय को जोड़ा गया मित्रों 2014 में। और लास्ट में जो आठवें नंबर पर अभी जोड़ा गया है, या जो मैं कह सकता हूँ जो आठवें नंबर पर है, तो वो है अगस्त मलाई। और ये अगस्त मलाई को जोड़ा गया है 2016 में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है वर्तमान में। एक बार पुनः इनका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, मैं इनको आपको एक बार बता देता हूँ, रिवीजन करवा देता हूँ कि वर्तमान में भारत में 38 विश्व विरासत स्थल है, जिनमें से 30 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित। मैंने ये 2 बता दिए। काजीरंगा नेशनल पार्क असम 85 में शामिल किया, मानस को असम 85 में शामिल किया, और केवला देव भरतपुर इसको भी 85 में। यानी तीन को तो आप याद रख लो, किस किस को? कि मानस, काजीरंगा और केवला देव, तीनों को फर्स्ट में बनाया गया 1985 में। फिर 87 में किसको बनाया? सुंदरवन नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल को। और 88 में किसको बनाया? तो नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तराखंड को। और इसका विस्तार कब किया? 2005 में, ये पूछा जा सका है, जा सकता है। फूलों की घाटी को इसमें जोड़ा गया है, इसका क्षेत्र का विस्तार कर दिया। पश्चिमी घाट को 12 में, ग्रेट हिमालय को 14 में, और 2 साल बाद अगस्त मलाई को जोड़ा गया 2016 में। तो मैं समझता हूं ये आपकी समझ में यहां तक आ चुका होगा। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं समझता हूं ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, तो प्लीज एक बार इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डिस्कवरी क्लासेस जयपुर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत।